अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह सेकेंड में भी इसी तरह साथ रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज़ पढ़ लिए होंगे। यह हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इंशाल्लाह इसके बाद में 3 और फिर आपके लिए मॉडल पेपर के एमसीक्यूज करवा के कंप्लीट करूंगा। तो हमारे पास गिवन है इफ 2x-5 ग्रेटर और इक्वल टू 3 देन इट सॉल्यूशन सेट इज। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा? तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले इस -5 को आप राइट साइड पर ले जाओगे तो 2x आपका हो जाएगा किसके, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो ये 3 से एड होगा तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, 2 यहां मल्टीप्लाई में आप बोथ साइड डिवाइड करवा दो या 2 को आप उस तरफ लेके जाओ तो डिवाइड में चले जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 4, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो या तो 4 है या 4 से ग्रेटर है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है? यहां पर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी है जो कि स्टार्ट है 4, 5 एंड सो ऑन, यानी कि 4 से लेकर आगे सारे नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ 4x-3y=8 इज द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी 4x-3y <= 8 देन इट्स एक्स इंटरसेप्ट। ये हमारे पास गिवन है और इसको तो आप जानते हो, जो इसका हमारे पास करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 4x-3y = 8। ठीक है ना, तो आप जानते हो हम जब हम इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये भी आप समझ लें, ठीक है, या एसोसिएटिव इक्वेशन भी हम कह रहे होते हैं, तो ये दोनों नाम से इसे हम क्या कर रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कह रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालने। सिंपल, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वहां पर वाई की वैल्यू 0 होती है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिमिलरली y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। खैर, आपको क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट। तो सिंपल, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y की जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, यानी कि 0 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां से 4x आपका बराबर हो जाएगा 8 के, यहां से 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा, डिवाइड में, यानी कि 8 डिवाइड बाय 4 और 8 डिवाइड बाय 4 कितना होता है आपके पास, 2, यानी कि जो इसका आंसर है हमारे पास वो क्या है, 2 है। अगला हमारे पास है ये सेट है x का और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, टेबलर फॉर्म गिवन है आपको n, x जो है ग्रेटर देन 5 है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखें यहां बहुत ध्यान से, एक तो यहां पर ग्रेटर देन 5 दिख रहा है आपको और एक यहां पर दिख रहा है। ठीक है, बाकी ये तो माइनस इंफिनिटी से यानी कि नेगेटिव नंबर है, लेकिन सोल्यूशन के मुताबिक एक्स आपका क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो अब कौन सा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी? अब आपको इसका पता होना चाहिए इंटरवेल का, कि अगर यहां पर मैं यू लिखूं एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो ग्रेटर और इक्वल टू 5 के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस बात को समझे, यानी कि जब कभी भी हमें एंड पॉइंट नंबर को शामिल करना होगा और इंटरवेल फॉर्म में हमें आंसर लिखना होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 5 है, यानी कि 5 के बराबर नहीं है, तो इस तरह में हम यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट। क्या यूज करते हैं हम, तो इसलिए हमारे पास जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है कि 5 से ग्रेटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए का मतलब है 5 भी इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन यहां पर सवाल में क्या कह रहा है आपको कि x जो है 5 से ग्रेटर है, 5 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन डैश सॉल्यूशन। ये इंट्रोडक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, जब आप इस बुक के इंट्रोडक्शन को आप पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ रहता है कि हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, यानी कि जो इसका आंसर है हमारे पास वो क्या है, सी। सोल्यूशन स्पेस ऑफ द लिनियर इनइक्वालिटी 2x+3y <= 6। इसका जो सोल्यूशन स्पेस होगा वो क्या होगा, यहां पर आपको फिजिबल रीजन भी कह सकता है। ठीक है, सोल्यूशन स्पेस या फिर
फिजिबल लीजेंड बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल लेते हैं, 2x 3y और इक्वल टू 6। मैंने आपको ऊपर बताया था कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए हम इनइक्वलिटी को हटाकर हम इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने आपको अभी बताया कि हम वाई को क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। जब जीरो पुट करोगे इक्वल टू 6, तो यहां से 2x आपका बराबर हो जाएगा 6 के, तो 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा 3 के। सिमिलरली अब हम क्या निकालते हैं, y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं, ठीक है, ये याद कर ले। तो 0 ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, 3y इक्वल टू 6, तो आपके पास क्या बच गया, सिंपल 3y इक्वल टू 6, सही। अब 3 यहां मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में, दोस्तों आपका वाई किसके बराबर हो जाएगा 2 के, सही है। अब अगर मैं इसके लिए लाइन ड्रॉ करूं तो हम जानते हैं एक्स इक्वल टू 3 कुछ यहां पर आएगा, इस यहां पर, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इसका वाई भी हमारा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव पर आएगा, यानी कुछ मिला के हमारे पास ये लाइन बनेगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसके दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, यानी कि विदाउट ओरिजिन और विद ओरिजिन, यानी कि ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा विदाउट ओरिजिन और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा विद ओरिजिन। अब आपको ये देखना होता है कि हमारा आंसर ये पार्ट है या फिर ये वाला पार्ट है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, जो आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है यहां पर आप ओरिजिन पुट करते हो, ओरिजिन मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तो यहां पर आप दोनों जीरो पुट करोगे तो 2 0 + 3 0 और लेस देन और इक्वल टू क्या है आपके पास 6 है, ठीक है। तो अब जानते हो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा और 0 + 0 ये क्या होगा जीरो ही हो जाएगा, और यहां पर क्या है लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि ये ट्रू है, जीरो जो है 6 से छोटा है। तो जो आपको आपने पढ़ा होगा कि जब ये ट्रू होता है, जब हम ओरिजिन पुट करते हैं और ओरिजिन पुट करने से स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, तो जो हमारा रीजन होता है वो विद ओरिजिन होता है, मतलब ओरिजिन वाला ओरिजिन हमारे पास इसका हमारा रीजन आंसर होगा, यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं होता तो फिर हम ऊपर वाला रीजन लेते हैं, तो आपको दिख रहा है जो रीजन है वो लाइन के बिलो है, ठीक है। तो ऑल पॉइंट्स ऑन एंड बिलो द लाइन, इसका आपके पास क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास है, इफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 5x + y + 4y इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि एंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, और आपको कॉर्नर पॉइंट्स भी गिवन है, ठीक है, देन द फंक्शन इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा, सिंपल हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट होता है, जो वर्टेक्स होता है, मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि पहले आप 0, 0 पुट कर दो यहां पर, तो 5 × 0 + 4 × 0 तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह आप 4 पुट करो तो 5 × 4 कितना होगा 20, चूंकि वाई तो 0 है हमारा, तो इसके लिहाज से कितना आंसर आएगा 20 आंसर आएगा, इसके लिहाज से 0, इसके लिहाज से 20 आंसर आ रहा है। 0, 6 यानी कि एक्स हमारा 0 है और वाई की जगह पर आप 6 पुट कर दोगे तो 6 × 4 आई थिंक होता है 24, ठीक है। तो 5, 4, लेकिन जब मैं 5, 4 पुट कर रहा हूं इसका मतलब एक्स बराबर है 5 के और वाई बराबर है 4 के, तो 5, 5 = 25 और 4, 4 = 16, तो 25 + 16 तो जाहिर सी बात है इन सबसे ग्रेटर वैल्यू है, तो इसका मतलब 5, 4 पर हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब मैक्सिमम हमें किसमें मिलेगा 5, 4 पर, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7, डैश आर द इंटेंटीज हुज वैल्यूज आर टू बी डिटरमीन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द लिनियर प्रोग्रामिंग। तो जो हमारे पास इंटेंटीज है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं वेरिएबल, इसके डेफिनेशन भी आपकी बुक में गिवन है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। डैश स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ सॉल्विंग द लिनियर प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे पास कौन बताता है, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा था मैक्सिमम है या फिर क्या है मिनिमम है, तो ये हमें बताता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो जिसका आंसर है हमारे पास वो क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। 9th, डैश आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज ऑन द लिनियर प्रोग्रामिंग। जब आपने लिनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि वहां पर हमारे पास कुछ हमारा टारगेट होता है कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना या कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना, यानी कि हम एक फिजिबल बनाते हैं कि यानी कि हमारे जिससे क्या हो प्रॉफिट हो, यानी कि कम से कम कॉस्ट में, यानी कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा काम और अच्छा काम करना, ठीक है।
तो अब ये सब काम करने में जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती है, कुछ पाबंदी भी होती है कि आप इतने घंटे काम कर सकते हो या आप ये काम नहीं करते, आप वो काम नहीं कर सकते। डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या होती है, पाबंदी होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा लिनियर प्रोग्रामिंग में जो पाबंदी है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। जो लिमिटेशन है हमारे पास उसे हम किस नाम से पुकारते हैं, कॉन्स्ट्रेंट के नाम से पुकारते हैं। तो डैश आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज ऑन द लिनियर प्रोग्रामिंग, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉन्स्ट्रेंट कहलाएगा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 10, द रीजन ऑफ सोल्यूशन इन लिनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड, लिनियर प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास रीजन होता है उसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं उसे हम, फिजिबल रीजन। ठीक है, या सॉल्यूशन स्पेस भी हम कहते हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एन डैश कॉन्स्टेंट द फिजिबल रीजन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, तो ये सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास, कॉन्सेप्ट छोटा था, तो ये हमारे पास क्या लगेगा, इक्वल टू। एमसीक्यू नंबर 12, इफ ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0, ये क्या है, नॉन लिनियर इनइक्वलिटी, लिनियर इनइक्वलिटी, लिनियर इक्वलिटी और कॉम्प्लेक्स इनइक्वलिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, अगर इक्वल टू होता तो हम कहते हैं इक्वलिटी, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है कि लेस देन का साइन है, तो यहां पर और एक्स की पावर वन है, वेरिएबल की पावर वन है, तो अगर वेरिएबल की पावर वन होती तो उसे हम क्या कहते हैं, लिनियर, और चूंकि इक्वल टू नहीं है तो यह हमारे पास क्या कहलाएगा, लिनियर इनइक्वलिटी। अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन, आपको वो पॉइंट बताना है किसका, सोल्यूशन रीजन का, वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और आप जानते हो कि सॉरी ये पॉइंट फिजिबल रीजन में, अगर आप कॉमन पॉइंट देखोगे तो सब मान लो कि ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये हमारा फिजिबल रीजन है, और जो उसके कॉर्नर पॉइंट है उससे हम क्या कहते हैं, मैं तो वैसे ही कह दिया कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट कहेंगे, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द सोल्यूशन रीजन ऑफ एन इनइक्वेलिटी रिस्ट्रिक्ट टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। ठीक है, जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो यहां पर खासतौर पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हमारे पास कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने आपको बताया कि यह हमारे पास क्या कहलाता है, फिजिबल कहलाता है। ठीक है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड, वो फंक्शन, अभी हमने ऊपर एक सवाल भी सॉल्व किया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिहाज से, जहां पर हमने मैक्सिमम निकाला था, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, आखिरी एमसीक्यू, द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड, द फिजिबल सोल्यूशन, सॉरी, जो हमारे पास क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारे पास लिनियर प्रोग्रामिंग में जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।